कोविड महामारी के इस डरावने दौर में एक अन्य बीमारी की दबे पांव दस्तक हो गई है, जो कुछ एक कोविड के उन मरीजों में हो रही है जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता किसी भी वजह से पहले से कम थी, जैसे कि डायबिटीज के मरीज, किडनी पीड़ित मरीज, HIV संक्रमित मरीज आदि। कोविड के इन मरीजों को उनकी जान बचाने के लिए स्टेराइड का भी डोज दिया जाता है और स्टेराइड भी कहीं न कहीं इम्यूनो सप्रेसेंट होते हैं। कुछ मिलाकर ये सभी फैक्टर इस बीमारी को बढ़ने में मददगार होते हैं। यह बीमारी कोविड की तरह संक्रामक नहीं है, अतः घबराने की आवश्यकता नहीं। समय पर बीमारी की पहचान एवं उपचार आपका जीवन बचाएगी। भारतीय न्यूज के लिए दमोह से बिट्टू दुबे की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं डॉक्टर विशाल शुक्ला, जिला दमोह में पदस्थ हूँ। देखिए, आजकल आपने सभी ने सुना होगा कि ब्लैक फंगस नाम की बीमारी फैल रही है, जो कि कोविड के पेशेंट में उनके उपचार के बाद ही होती है। तो यह सही है कि यह बीमारी फैल रही है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में, तो घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ब्लैक फंगस होता क्या है उसके बारे में बताना चाहूँगा कि जब हम कोविड से ग्रसित हो जाते हैं, हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है और हमें स्टीरॉइड दिया जाता है, इस तीनों ही कंडीशन में हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज्ड होती है और ऐसी इम्यूनिटी कम होने की वजह से हमारी बॉडी में तरह तरह की जो कॉमन सेल हैं उनमें से एक म्यूकर माइकोसिस भी है, तो ये ब्लैक फंगस की तरह ये ग्रो कर जाता है हमारी नाक में, हमारे मुँह के अंदर। और हर किसी को नहीं होता, यह सही है, लेकिन जिनकी इम्यूनिटी कम्प्रोमाइज होती है, जिनकी शुगर लगातार बढ़ी रहती है, जो कोविड से संक्रमित हुए हैं और जिनको स्टीरॉइड के डोज लगे, इनमें यह बीमारी होती है, लेकिन सभी में नहीं होगी। मैं बार बार इस चीज़ को इसीलिए दोहरा रहा हूँ क्योंकि जो पैनिक का माहौल है उसको मैं कम करना चाहता हूँ कहीं ना कहीं। और इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है, लक्षणों को पहचानना है सबसे पहले कि नाक में जो आपके अगर बहुत ज़्यादा छींकें आ रही हैं, नाक से पानी का स्त्राव हो रहा है जिसमें कुछ काला कालापन है नाक में, और आपके उसके आजू बाजू के गाल वाले हिस्से में यदि सूजन आ रही है, ऊपर सूजन आँख की तरफ बढ़ रही है, आँख में दर्द है, जलन है, डबल विजन हो गया है, अगर सर दर्द हो रहा है, तो ऐसा कोई भी हिस्सा जो हमारा ब्लैक फंगस इन्वॉल्व करता है वो इन्फ्लेमेशन के कारण सूज जाएगा, उसमें तेज दर्द होगा। साथ ही हमारे तालू की जो हड्डी है मैक्सिला, इसका भी इन्वॉल्वमेंट होता है। तो ये सब चीज़ें अगर आपको ऐसे लक्षण लगते हैं तो तत्काल ही अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करिए। आपके पास यदि नज़दीक में डेंटिस्ट या ENT सर्जन है तो उनको दिखाइए, क्योंकि वो उसको कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ, इस बीमारी की संभावना हो सकती है। कंफर्मेशन के लिए हमें बायोप्सी की ज़रूरत पड़ती है, बायोप्सी से ही कन्फर्म होते हैं, लेकिन बायोप्सी में बहुत समय लगता है, हमारे छोटे शहर दमोह में बायोप्सी की सुविधा भी नहीं है। तो हम लोग एक प्रिजम्प्टिव ट्रीटमेंट के रूप में पोसाकोनाजोल नाम की दवाई शुरू कर देते हैं। अब इसका बचाव कैसे किया जाए, ये लोगों के मन में ये भी भय है कि ये कोविड जितनी ही संक्रामक बीमारी है, मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये ऐसी कोई संक्रामक बीमारी नहीं है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलेगी। और हालांकि इसके स्पोर्स कॉन्टेजियस होते हैं, लेकिन हमें उतना घबराने की, डरने की चिंता नहीं है। डर इस बात का है कि जो इस बीमारी से संक्रमित हो जाता है, फिलहाल की परिस्थितियों में उसका उपचार हर जगह उपलब्ध नहीं है। इसके उपचार के लिए हमको सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है, साथ ही बहुत ही महंगे से इंजेक्शन होते हैं एम्फोटेरिसिन B के, इसमें भी अलग अलग वैरायटी के होते हैं। तो लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन B जो है इंजेक्शन, इसकी ड्रग ऑफ चॉइस है, जो कि मेरे अनुमान और मेरे विचार के अनुसार से आज बड़े शहरों में भी उपलब्ध नहीं है। तो धीरे धीरे हम सक्षम होंगे इसके उपचार के लिए, इसकी जांच के लिए। तब तक इस बीमारी से कैसे बचा जाए, तो उसके बारे में मेरा ये कहना है कि जो भी व्यक्ति कोविड में वर्तमान में इलाज ले रहा है, तो उसको अपने जो ऑक्सीजन का फ्लो मीटर है उसके पानी को प्रतिदिन बदलना चाहिए, साफ मिनरल वाटर, डिस्टिल वाटर उसमें इस्तेमाल करना चाहिए। कुछ नहीं मिलता है तो कम से कम RO के पानी का इस्तेमाल करें, प्रतिदिन उस फ्लो मीटर को साफ करना है, हमें अपना ऑक्सीजन मास्क साफ करना है। इसके बाद जब हमारा डिस्चार्ज हो जाता है, तो हमें अपने घर आकर के अपनी नाक को एवं मुंह को नॉर्मल सलाइन की जो बोतल आती है उससे हमको अच्छे से कुल्ला करके डेली साफ करना है, और नाक को भी जल नेती के माध्यम से साफ करना है। अगर इतना ही उपचार हम लेंगे और अपनी ब्लड शुगर पर कंट्रोल रखेंगे, तो निश्चित तौर पर हमें कोविड के पश्चात होने वाली ये बीमारी बिल्कुल भी तंग नहीं कर पाएगी।
देखिए अलग अलग स्थानों से फिलहाल मेरे पास अभी तक 4 मरीज जिनको मैं देख चुका हूँ, चूँकि मरीज का नाम उजागर नहीं कर सकते, प्रोफेशनल सीक्रेसी है, लेकिन ये तय है कि मैंने 4 मरीज देखे हैं और हमारे छोटे से शहर दमोह में फिलहाल इनका उपचार ना होने के कारण मैंने इनको मेडिकल कॉलेज जबलपुर की ENT यूनिट के लिए रेफर भी कर दिया है, ताकि कहीं भी किसी भी स्तर पर बीमारी के उपचार में देरी से किसी को नुकसान ना हो, किसी की अंग भंग ना हो, किसी की आँख का नुकसान ना हो और ये बीमारी ना फैले, उस व्यक्ति की ज़िंदगी बचाई जा सके। इसमें देखिए बहुत कुछ हम और आप मिलकर कर नहीं सकते, कि आप भी जानते हैं कि कोरोना कितनी मारक बीमारी है, इसने सारा हेल्थ सिस्टम जो है कोलैप्स करके रख दिया, प्रशासनिक फेलियर यहाँ पे तरह तरह से सामने आए हैं, और अगर इस वातावरण में एक बीमारी और हमारे लिए निकल के सामने आ रही है तो ये एक बड़ा चैलेंज है। लेकिन ये अच्छी बात है कि ये बीमारी उतनी संक्रामक नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ ये उतनी संक्रामक नहीं है जितना कोरोना है, तो अतः बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। 500,000 लोगों में से किसी एक को इस तरह के लक्षण आएंगे और अगर वो भी समुचित उपचार लेगा तो उसकी जिंदगी भी बचाई जा सकेगी। थैंक यू। सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।